नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एंजल नंबर के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एंजल नंबर क्या होते हैं और ये हमें क्यों दिखाई देते हैं और हमें ये कौन दिखाता है। दोस्तों, जब हम जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ों पर फंस जाते हैं जहाँ से हमारा खुद का कोई अनुभव काम नहीं करता है, जहाँ हम हताश और निराश हो जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता है, जहाँ पर शायद कुछ लोग भी साथ छोड़ देते हैं या फिर कुछ लोगों की सलाह आपके लिए उचित नहीं होती है, उस वक्त ये प्रकृति अपना हाथ बढ़ाती है और हमें सहारा देती है। दोस्तों, ये सहारा कई प्रकार से देती है। आपके सपनों में आप आकर आपको कुछ संकेत दे सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर ये एंजल नंबर नंबरों के थ्रू आपको कुछ संदेश दे सकती है। दोस्तों, ये सब इस प्रकृति के मदद करने के तरीके होते हैं। उनमें से आज के विषय है एंजल नंबर। दोस्तों, ये एंजल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ आत्माएं कह सकते हैं, कुछ ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर जो परमात्मा है वो कह सकते हैं, उनके भेजे हुए नंबर्स होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी एक थ्योरी होती है, उसे हमें समझना होता है कि आखिर इन नंबर्स का मतलब क्या है। दोस्तों, आपको 1 दिखाई दे सकता है, लगातार आपको लगातार 1 दिख रहा है, आपको 1 लगातार दिखाई दे सकता है, 1 लगातार दिखाई दे सकता है, 4 लगातार दिखाई दे सकता है, इसी तरह से 2 या 2, इस तरह से 555 या 555, 444 या 444, इस तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं। दोस्तों, इन नंबर्स को रिपीटेड नंबर या एंजल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, ये नंबर्स हमें तभी दिखाई देते हैं जब ये प्रकृति हमारे साथ होती है, क्योंकि ये प्रकृति भी हमारे साथ तभी होती है जब हम सही मार्ग में बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जब हम गलत दिशा में बढ़ रहे हों तब हमें ये प्रकृति रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी गलत दिशा में चले जाएं और प्रकृति को जानते हुए भी इग्नोर कर दें और भगवान पर विश्वास ना करें, तो दोस्तों ये प्रकृति उस वक्त हमें हेल्पलेस छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान से प्रे करते हो तो यही एंजल नंबर आपको दिखाई देने लगेंगे, किसी की मदद आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सब प्रकृति के द्वारा आपको परेशानियों से निकालने के कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, एंजल नंबर जो होते हैं वो ग्रहों से मिलकर बने होते हैं। हमारे सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उनके अपने अलग अलग अंक हैं। दोस्तों, वो सारे जो ग्रह हैं वो हमें उनके नंबर हमें दिखाई देते हैं और उससे हमें ये पता चलता है किस नंबर्स का क्या अर्थ है। जैसे कि हमारे सुख का साधन का जो स्रोत है वो शुक्र है, और जहाँ तक मुझे याद है शुक्र 6 नंबर होता है और वो हमें बताता है कि अब सुख साधन हमारे आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जो 2 नंबर होता है वो चंद्रमा का स्वरूप है, और दोस्तों चंद्रमा मन चंचल करने वाला होता है। जब हमारा मन चंचल विचलित होता हो तब हमें 2 नंबर दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से सारे नंबर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक रेगुलर नंबर पर वीडियो बनाऊँ एंजल नंबर पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, इस तरह से प्रकृति हमारी मदद करती है। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल हुई, कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।